लेकिन प्रसंग पे जाने से पहले कुछ ऐसे शब्द जो कृष्ण को भी भारी पड़े, जो आपको ना भारी पड़े, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि संत को कभी रूठने मत देना। और संत कैसा भी होवे उसका कभी मजाक, हंसते हंसते भी कुछ कह दे दिल से निकल जाए, ब्रह्मवाक्यम सदाश। भगवान ने द्वारिका नगरी में जा करके अपना सब व्यवस्था किया। द्वारिका कितने जानते हैं आचार्य जी? द्वारिका कितनी है? एक तू भी ऐसा और तेरा गुरु भी ऐसा, एक द्वारिका नहीं है, एक वो मुख्य द्वार द्वारिका कहते हैं, जो इस जीवा इसी द्वार से प्रण हुआ, इसी से हरि का नाम, इसे भी द्वारिका की उपमा दी गई है। अब यज्ञ की श्रृंखला में जाएंगे तो हर प्राणी नित्य सर्वप्रथम ओंकार का नाद लेता है और उधर यज्ञ करता है, ओंकार नाद लेता है और उधर यज्ञ करता है, उधर में ब्रह्म का वास, जहाँ पिंड वहाँ द्वारिका। तीन है, एक मूल द्वारिका है, एक द्वारिकाधीश है और एक भेंट द्वारिका। तीनों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग इतिहास है। भेंट द्वारिका वो है जो 32 किलोमीटर आचार्य जी समझने जैसी बात है, जैसे काशी की व्यवस्था है कि जब गंगा जी आ रही थी काशी में तो भगवान ने कहा कि तुम यहाँ मत आना। बोले क्यों? बोले आप पर साधु लोग भजन करते हैं, यहाँ पर संत लोग भजन करते हैं और तुम्हारी कल कल की आवाज से उनका ध्यान भंग हो जाए। माँ गंगा ने कहा अगर मैं वहां आवाज ना करूं तो बोले बिना गंगा के शिव की उपासना अधूरी। तो आप गौर करेंगे फैजाबाद से इधर गंगा के जल में बहुत तेज आवाज होता है, और चाहे वो तुलसी घाट हो, दशमेश घाट हो, इन घाटों पे गंगा के पानी में कोई आवाज नहीं रहता, बिल्कुल स्थिर, पुण्य की गति में चल, ऐसे ही गति। द्वारिकाधीश वो है जहाँ भगवान ने राज किया और समा करके चले गए। सोने की जो नगरी थी द्वारिका वह समुद्र में डुबा दिया, उसे आप द्वारिकाधीश कहते हैं। वहाँ पर अगर आप खड़ेंगे तो गोमती जाकर मिलती है, और उसी गोमती के पत्थर को लोग गोमती चक्र कहते हैं, लोग धारण करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ग्रह चक्र उल्टा हो जाए और गोमती चक्र पूजा कर कर पहना लें तो चक्र सीधा हो जाता है ग्रह चक्र, लेकिन उस चक्र की दिशा देखनी होती है ना। गोमती चक्र में तीन रेखा होती है और उसका प्रमाण है कि समुद्र के जल में डालने से वो चलता है, सजीव है। तो वहां पर सागर की लहरें, हमारे आश्रम से तो 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ही द्वारका देश है, नागेश्वर की तरफ जब द्वारका से निकलते हैं तो बीच में एक आश्रम आता है शंकर कैलाश आश्रम नीलगणागिरी महादेव। आचार्य जी गर्गाचार्य संहिता में नीलगणागिरी महादेव का उल्लेख है, और ये
शिवलिंग भगवान कृष्ण ने ही स्थापित की है, वही हमारा आश्रम। गुरु का सैनिक वही मिला है मुझे गुजरात में सौराष्ट्र। तो देखने की बात यह है कि वहां सागर की लहरों की ऊंचाई इतनी है कि आप 4 किलोमीटर दूर से आवाज सुन सकते हैं, लेकिन वहीं से 22 किलोमीटर दूर तिवारी बाबा भेंट द्वारिका, चारों तरफ से समुद्र है। जहाज से स्टीमर से जाना पड़ता है, लेकिन वहां जब स्टीमर पे आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गांव के तालाब में घूम रहे हैं, समुद्र है नहीं, बिल्कुल ऐसा हिलता भी नहीं है, क्योंकि सागर को पता है कि परमात्मा यहाँ वास करते हैं, भक्त यहाँ भजन के लिए आते हैं, इसलिए भजन में शांति की अवस्था होती है, हल्ला गुल्ला खुटू फुटू की जगह नहीं रहती। वो है द्वारिका धीश, एक है द्वारिका धीश जहाँ राज किया, और जो मैं बता रहा हूँ वहां आकर के सुदामा से और कृष्ण की मुलाकात हुई, तो उसका नाम क्या है, भेंट द्वारिका। जैसे नाम है मूल द्वारिका मीठापुर से जामनगर बाजू में आता है, गोपी तालाब पास में है जहाँ गोपियों को नहीं बचा पाए थे, उस तालाब की मिट्टी को ही आप गोपी चंदन कहते हैं, वही है तालाब की मिट्टी, उसी को हम गोपी चंदन कहते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पिंडारा है जहाँ भगवान ने अपने पितरों का पिंडदान किया है, और आज भी अमावस्या के दिन और उस तिथि पर सागर रास्ता छोड़ देता है, रास्ता छूट जाता है। भेंट और जिसे आप सुदामा का गांव कौन सा है, पोरबंदर। सुदामा का गुरुधाम है उज्जैन। संदीप ने ऋषि क्या पढ़ाई करी, तो हमें आचार्य जी इन चीजों का विशेष रुचि था, तो आज से करीबन 8 साल पहले ही 10 साल पहले हमें सर पूरे भारत का भ्रमण करके हमारे पास मानसरोवर यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, अष्टांग गणपति की यात्रा, अष्ट भैरव की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के रखी हुई है, कहाँ किसका क्या महत्व है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे बच्चों को जब भागवत गीता नहीं पता है तो तीर्थ धाम कहाँ से पता रहेंगे, इसलिए कभी इनको जिज्ञासा हो तो बताया जा सके, इसलिए ये सब करके पहले से ही रखते हैं। मुख से अगर आपके एक शब्द निकल जाए और शब्द अनुचित हो तो हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा ही कुछ कृष्ण के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, सामान तक मणि को धारण करके मेरे का आगमन होता है, श्याम वर्ण की वो मणि सूर्य के उपासक है, श्याम वर्ण की मणि श्याम अंतक, श्याम वर्ण की मणि थी और प्रकाशित बहुत तेज होती थी। सूर्य की साधना के बाद मिला है और जैसे ही जन्मेजय पहुंचते कृष्ण के मुख से एक शब्द निकला था, काश ये मणि मेरे गले में होती, इतने ही आए थे ना करके कि नहीं पढ़ा गया। जब आगमन हुआ
तिवारी बाबा, तो सारे सेवक कहने लगे कि भाई सूर्य देवता आ गए, इतना तीव्र तेज था। भगवान कृष्ण ने कहा ये मेरे गले में बस एक शब्द। कुछ समय के बाद सामंतक मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए निकले, रास्ता भूल गए जी। और एक सिंह ने उनकी मृत्यु कर दी, युद्ध हुआ, मारे गए। और जाम भगवान, आचार्य जी ये बताया गया है कि वही जाम भगवान है रामा अवतार, कुबरा को भी वही बताया गया, कुब्जा भी वही है। और यहां पर उनकी मृत्यु होते ही पूरे द्वारका में तहलका मच गया और सबने क्या कहा, अरे भाई कुछ सामंतक मणि की चाहत तो भगवान कृष्ण को भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामंतक मणि के लालच में आचार्य जी कृष्ण ने उनका वध करवा दिया हो। अगर ये शब्द कृष्ण ने नहीं कहा होता तो क्या यह लांछन लगता, ये मुझे अच्छा लगता, यही तो कहा था आचार्य जी। इतना कहने के बाद उन पे कलंक लगने लगा, तो आदमी अपने माथे पे लगे हुए दाग को धोने के लिए कुछ भी मिटा सकता, जावे तो घर से 10-5 हजार चले जाने दो, लाख चले जाने दो, पर माथे पे दाग ना रहे तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण उन्हें ढूंढने के लिए निकले, 27 दिन हो गया कोई खबर नहीं मिली, तब देव ऋषि नारद का आगमन होता है। देव ऋषि नारद के सामने वसुदेव ने निवेदन किया कि मेरा पुत्र सत्ताईस दिन से गायब है, पूरी बात कहते सुनाई। तो देव ऋषि नारद ने कहा देखिए आप चिंता मत करो, चिंतन करो, जब आपको दुख हो ना तो चिंता मत करो, चिंतन करो।